हेलो दोस्तों, मेरा नाम असलम अहमद है और आज हम सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ में नए डॉक्यूमेंट का पेज सेटअप कैसे करें। सबसे पहले जब आप कोरल ड्रॉ में नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपके सामने एक क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट का डायलॉग बॉक्स खुलता है। इस बॉक्स में कई महत्वपूर्ण ऑप्शन होते हैं जिन्हें सही तरीके से समझना और सेट करना जरूरी है। नेम, नाम। सबसे ऊपर आपको डॉक्यूमेंट का नाम डालने का ऑप्शन मिलता है। डिफॉल्ट नाम होता है अनटाइटल्ड वन, जिसे आप अपनी सुविधा अनुसार बदल सकते हैं। प्रीसेट, इसके नीचे प्रीसेट का ड्रॉप डाउन होता है जहां से आप पहले से बनी हुई सेटिंग्स चुन सकते हैं, जैसे कि कोरल ड्रॉ डिफॉल्ट। नंबर ऑफ पेजेस, इसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स में कितने पेज चाहिए वो सेट करना होता है। डिफॉल्ट सेटिंग्स वन पेज की होती है, लेकिन आप यहां से ज्यादा पेज भी सेट कर सकते हैं। पेज व्यू, इसके नीचे पेज व्यू का विकल्प होता है जहां से आप पेज का व्यू सेट कर सकते हैं, एक पेज या फिर फेसिंग पेजेस का व्यू। फिर आता है प्राइमरी कलर मोड, जहां आप CMYK या RGB कलर मोड में से एक चुन सकते हैं। CMYK प्रिंटिंग के लिए और RGB डिजिटल उपयोग के लिए होता है। डायमेंशंस, आकार। अब बात करते हैं डायमेंशंस की। यहां आप अपने पेज का आकार सेट कर सकते हैं। पेज साइज से आप पेज के साइज का चयन कर सकते हैं, जैसे कि A4 लेटर आदि। इसके साथ आप विड्थ और हाइट भी मैन्युअली डाल सकते हैं और यूनिट्स को मिलीमीटर्स, इंचेस या पिक्सल्स में बदल सकते हैं। ओरिएंटेशन, इसके बाद आप पेज का ओरिएंटेशन सेट कर सकते हैं, यानी पेज पोर्ट्रेट मोड में हो या लैंडस्केप मोड में। इसके बाद आता है रेजोल्यूशन, जो आमतौर पर 300 dpi होता है। अगर आपको अपनी इमेज की क्वालिटी बहुत हाई चाहिए तो आप इसे बढ़ा सकते हैं, नहीं तो डिफॉल्ट ही रहने दें। आखिर में नीचे कलर सेटिंग्स का ऑप्शन होता है जहां आप कलर प्रोफाइल को सेट कर सकते हैं। लेकिन मेरी यही सलाह है आपके लिए कि शुरुआत में सीखते समय आप इन सबको डिफॉल्ट ही रहने दें। जब आपकी सारी सेटिंग्स हो जाएं तो ओके पर क्लिक करें और आपका नया डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि कोरल ड्रॉ में पेज सेटअप कैसे किया जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।